देश में दो चरणों की वोटिंग तो हो चुकी है, बाकी के चरणों की तैयारी भी जोरों पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की वीवीआईपी रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट को लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस इस बात का कि इस सीट से कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवारी करेगा। हालांकि इस सीट पर चुनाव तो पांचवें चरण में है, लेकिन नामांकन 26 अप्रैल से ही शुरू हो गया, जो कि 3 मई तक होता रहेगा। लेकिन आज यानी कि 30 अप्रैल तक भी कांग्रेस ने इस सीट से अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। इस बात से एक और चर्चा तेज हो गई कि क्या इन दोनों सीट पर बीजेपी को सूरत जैसे निर्विरोध जीत मिल सकती है। क्या कांग्रेस का गढ़ रहे अमेठी और रायबरेली में बीजेपी को अपने सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस का सामना नहीं करना होगा। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। कांग्रेस आला कमान ने अब तक यूपी की रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। इस बात से इधर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सूरत में बीजेपी को जैसे निर्विरोध जीत मिली और जैसे मध्य प्रदेश में खजुराहो सीट और इंदौर की सीट पर इंडिया ब्लॉक बैकफुट पर आ गई, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारा, तो हो सकता है कि ऐसा हो कि कुछ समीकरण यहां पर देखने को वैसे मिल जाए जैसा इंदौर में अभी हो रहा है और जैसा सूरत में हुआ। हालांकि इन सीटों पर सूरत जैसा हाल नहीं होगा, यहाँ एनडीए और इंडिया ब्लॉक के अलावा दूसरी पार्टियां और दूसरे उम्मीदवार भी हैं जो इस जंग को जारी रखेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए यूपी की रायबरेली और अमेठी सीट जीतना कांग्रेस की वजह से थोड़ा चैलेंजिंग होगा। कांग्रेस इस सीट पर अपनी साख बचाने के लिए बेस्ट कैंडिडेट्स को उतारना चाहेगी, क्योंकि स्मृति ईरानी ने तो अमेठी से नामांकन कर चुनाव का ताल ठोक दिया, लेकिन रायबरेली में अभी तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। शायद बीजेपी को कांग्रेस के दाव का इंतजार होगा। अब कांग्रेस के दाव का इंतजार बीजेपी को क्यों होगा, ये जानने के लिए आपको एक बार दोनों सीटों के बारे में जानना होगा। अमेठी उत्तर प्रदेश का 72वां जिला है, जिसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2010 को अस्तित्व में लाया गया था। शुरुआत में इसका नाम छत्रपति शाहूजी महाराज नगर था, लेकिन इसे बदलकर अमेठी कर दिया गया। ये सीट भारत के नेहरू गांधी परिवार की राजनीतिक कर्मभूमि रही है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके नाती संजय गांधी, राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी ने इस जिले का प्रतिनिधित्व किया है। साल 2014 के आम चुनाव में राहुल गांधी यहां से सांसद चुने गए, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ है रायबरेली। निर्वाचन क्षेत्र के रूप में रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है। साल 1952 में फिरोज गांधी ने सबसे पहले इस सीट से कांग्रेस के लिए जीत दर्ज की। इसके बाद से ये सीट कांग्रेस का अजेय किला बनता चला गया। साल 1967 से 71 के दौरान ये सीट पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निर्वाचन क्षेत्र भी रहा। हालांकि इस सीट पर बीजेपी ने भी अपनी जीत दर्ज की, लेकिन अब तक 17 में से 14 बार कांग्रेस को यहां से जीत मिली। साल 1999 से लगातार 5 बार सोनिया गांधी यहां से सांसद चुनी गई, लेकिन इस बार उन्होंने लोकसभा छोड़कर राज्यसभा में बतौर सांसद एंट्री ले ली। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को यहां से उतार सकती है, लेकिन राहुल गांधी ने वायनाड सीट से उम्मीदवारी कर ली है और यहां 26 अप्रैल को चुनाव भी हो गए हैं। अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावना पर राहुल ने पहले भी कहा है कि वो पार्टी का जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे। इधर प्रियंका गांधी के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि वो इस बार रायबरेली या अमेठी से उम्मीदवारी ना करें। रिपोर्ट्स में कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका किसी एक सीट से चुनाव ना लड़कर पूरे देश में कांग्रेस के लिए कैंपेन पर ज्यादा ध्यान दे सकती हैं। इन दोनों सीटों का हाल देखने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि बीजेपी रायबरेली की सीट पर कोई ऐसा उम्मीदवार उतारना चाहेगी जो कांग्रेस के तुरुप के इक्के को मात दे सके। इसलिए इंतजार हो रहा होगा कि कांग्रेस पहले अपने उम्मीदवार का ऐलान करे, ताकि बीजेपी भी उसी हिसाब से किसी मजबूत कैंडिडेट को उतारे। गांधी परिवार से इन सीटों पर दावेदारी को लेकर चल रही अटकलों के बीच कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि उनकी केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी ने पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी दी है। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे भी दोनों सीटों पर उम्मीदवारी की बात करते हुए कहते हैं कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस सरप्राइज देगी। नाम का ऐलान किए बिना हो सकता है कि सीधा नामांकन कर दिया जाए। खैर, इन दोनों सीटों पर नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख तो 3 मई की है। देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से इन दोनों सीटों पर किसे उतारा जाता है और क्या कोई गांधी परिवार का सदस्य यहां से कांग्रेस की साख बचा पाएगा। खैर, आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।